आज का प्रातः क्लास है 24 अगस्त 1968। मीठी मीठी रूहानी बच्चे समझते हैं और जानते भी हैं कि पहले पहले है सुप्रीम बाप, सुप्रीम कैसे, सुप्रीम ऐसे कि उससे सुपर कोई होता ही नहीं। वो बापों का भी बाप है। मनुष्य सृष्टि में जो भी धर्म पिताएं हैं उनका बाप प्रजापिता, जिसे वो लोग एडम कहते हैं, आदम कहते हैं, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। लेकिन वो भी सुप्रीम बाप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका भी कोई बाप है और उसका भी बाप है सुप्रीम रूहानी फादर, रूहों का बाप। वो ही सुप्रीम शिक्षक है। विश्व की आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं तो वो सुप्रीम गुरु भी है। तो ये हो गई सतगुरु की दरकार। और सतगुरु का दरबार भी होता है ना, कहते हैं दरबार साहब, सिखों में कहते हैं ना दरबार साहब। वो तो होते हैं सिर्फ गुरु, उन्हें सदगुरु नहीं कहा जा सकता। सदगुरु निराकार तो एक ही गाया हुआ है, वो अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। बल जगत गुरु कहलाते हैं तो भी सदगुरु नहीं कहेंगे। सदगुरु कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, वो लोग तो सिर्फ गुरु ही कहते हैं। और ये तो है सतगुरु। तो एक है सतगुरु और बाकी सब हो गए झूठे गुरु। तो कहेंगे पहले बाप, फिर टीचर, फिर गुरु सदगति करते हैं। और सतयुग त्रेता में तो गुरु होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां सबकी सदगति है, कोई ऐसा नहीं है जो दुर्गति में पड़ा हुआ हो। क्योंकि एक सदगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। जैसे कहते हैं एक ही बड़ा मंदिर बन जाएगा तो ये सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब खलास हो जाएंगे। तो ये सुप्रीम गुरु तो हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा है ना, इसलिए सबसे ऊंचा होने के कारण ऐसा कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सुप्रीम बाप के पास हम बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? बाप से क्या मिलता है? बेहद का वर्षा मिलता है। ये बेहद का वर्षा और कोई हद के बाप नहीं दे सकते हैं। ये बेहद का वर्षा है
सुख और शांति का। फिर वो बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, और ये वर्षा है नई दुनिया अमर लोग के लिए, वॉइसलेस वर्ल्ड के लिए वर्षा है। ये तो सब जानते ही हैं कि वॉइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को कहा जाता है, और विकारी दुनिया पुरानी दुनिया को कहा जाता है। ये बात दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं क्या, कि विकारी दुनिया को पुरानी दुनिया कहा जाता है और निर्विकारी दुनिया को नई दुनिया कहा जाता है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है कि निर्विकारी दुनिया कहाँ होती है और किसको कहा जाता है। इस निर्विकारी दुनिया को ही शिवालय कहते हैं। वहां शिव होता है क्या? जिस निर्विकारी दुनिया को शिवालय कहते हैं, आलय माने घर, तो वहां शिव होता है क्या जो शिव का घर कहते हैं? शिव तो होता नहीं, शिव तो शांति धाम का वासी है। सुखधाम नई दुनिया में तो शिव होता ही नहीं, फिर शिवालय क्यों कहते हैं? हैं? क्योंकि ये मकान है, अब जिसने बनाया है भले उसमें रहता हो या न रहता हो, उसके बच्चे ही रहते हो, तो जिसने बनाया है उसी का कहा जाएगा ना। तो ऐसे ही वो शिवालय में भले शिव रहता नहीं है, परंतु वो शिव का स्थापन किया हुआ है। और ये विशेष वर्ल्ड विकारी दुनिया रावण की स्थापन की हुई है। अभी तुम तो बैठे हो गुरु की दरबार में, और ये बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये भी जानते हो कि बाप ही शांति का सागर है, तो बाप जब आवे तभी शांति का वर्षा देवे, तभी आकर के रास्ता बतावे। बाकी जंगल में तो शांति कहां से मिलेगी? इसलिए रानी के हार का मिसाल दिया जाता है। हार गले में पड़ा हुआ था और बाहर ढूंढ रही थी, तो ये शांति भी आत्मा के गले का हार है, परंतु इस पुरानी दुनिया के मनुष्यों को पता ही नहीं है क्या, कि हम आत्मा हैं। जब आत्मा का ही पता नहीं है तो शांति गले का हार हो नहीं सकती। जब रावण राज्य होता है तो अशांति होती है। इस सुख की दुनिया को सुखधाम कहा जाता है, शांति की दुनिया को शांत धाम कहा जाता है। और वहां सुखधाम हो चाहे शांति धाम हो, वहां दुख की कोई बात नहीं होती है। महिमा सदैव सदगुरु की करते हैं, तो गुरु की महिमा कब नहीं सुनेंगे? क्यों है सदगुरु की महिमा इतनी क्यों करते हैं? गुरु की महिमा क्यों नहीं सुनी होगी? क्योंकि गुरुओं ने कोई महिमा योग्य काम दुनिया में करके दिखाया ही नहीं। जितने भी गुरु आए, गुरुओं की संख्या भल बढ़ती गई, लेकिन दुनिया में अशांति और दुख बढ़ता ही चला गया, तो महिमा कैसे होगी? ज्ञान शांति सुख का सागर तो एक ही बाप है, तो ऐसे कब गुरु की महिमा नहीं सुनी होगी? और न ही कोई कर सकते हैं कि गुरु ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो शांति का सागर, सुख का सागर, पतित पावन एक ही बाप है।
वो गुरु लोग तो जगत के पतित पावन हो ही नहीं सकते हैं, वो तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। बड़े बाबा को कहा जाता है हा? बड़ा बाबा क्या छोटा बाबा भी होता है, है? हाँ बड़ा बाबा भी है तो छोटा बाबा भी है, कौन है? ब्रह्मा बाबा है छोटा बाबा, और प्रजापिता के द्वारा शिव बाबा जब काम करते हैं तो है बड़ा बाबा। बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। तुम अभी संगम पर खड़े हुए हो, संगम तब कहा जाता है जब एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ आने वाली है नई पावन दुनिया। तुम बीच में खड़े हो, न पावन दुनिया के हो और न पतित दुनिया के हो। इस पतित दुनिया में गुरु तो ढेर के ढेर हैं। आगे तो तुमको इस संगम युग का पता ही नहीं था, अभी बाप ने तुमको समझाया है कि ये तो पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि पुरुषों में जो उत्तम उत्तम आत्माएं हैं वो इस समय प्रत्यक्ष होती है, इसके बाद फिर सतयुग आना है। तो ये चक्र फिरता रहता है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तो सभी भाई भाई हैं, तो वेद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब को बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, और ये बात कोई को पता नहीं है। क्या कि दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं और उनकी जो भी आत्माएं हैं, उन सब को एक बाप से वर्षा मिलना है, क्योंकि वो बेहद का बाप है। बेहद का माने 500-700 करोड़ का एक ही बाप है, तो जब सबका बाप है तो सबको वर्षा देता होगा। हाँ कोई को एक जन्म का सुख का वर्षा मिलेगा और कोई को अनेक जन्मों का भी सुख का वर्षा मिलता है। तो ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए। वो लोग तो भगवान को ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं, तो ठिक्कर भित्तर से वर्षा क्या मिलेगा? इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं परंतु भगवान के बारे में जानते कुछ भी नहीं है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग हैं, गुरुओं का नाम मान देखो कितने जास्ती होता है। सभी जावेंगे गुरुओं के आगे माथा टेकेंगे। अब बाप तो समझाते हैं ये टू मैनी क्वींस का पहाका है, ये गुरु लोग भी बहुत हो गए हैं, गुरुओं की संख्या बढ़ती गई और सदगति किसी की नहीं होती। बाप तो कहते हैं मैं तुम सब की सदगति कर देता हूं, फिर तुम सब की दुर्गति कौन करता है? एक सब की सदगति करता है और अनेक गुरु सब की दुर्गति कर देते हैं। तो कहेंगे दुर्गति दाता कौन? जरूर ये गुरु लोग, और ये ढेर के ढेर गुरु हैं। यहां भारत में तो नारी का पति भी गुरु कहा जाता है। शादी की और शादी के बाद ईश्वर गुरु पति हो गया,
और फिर वो पति देखो आज्ञा ही क्या, पहले पहले कैसी करते, पहले ही दिन छी छी कर देते हैं, वैश्याले में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चे तो सेंसिबल बन गए हो, आगे तुम सेंसलेस थे, तुमको कुछ भी ज्ञान का पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि हम तो सेंसलेस हैं, नॉनसेंस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप सर्वगुणवान हो, सर्वगुण संपन्न हो, हमारे में तो कोई गुण नहीं, आप हम पर तरस करो। अब बताओ ये देवताओं के जड़चित्र तरस करेंगे क्या? ये जड़चित्र तो जानते ही नहीं हैं, क्योंकि इनमें तो दिल ही नहीं होता है। किनमें? जड़चित्र में। वो रहम दिल कैसे कहेंगे बनेंगे? रहम दिल कौन होता है ये भी किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं वो गॉडफादर रहम करो, कहीं भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम जब दुख आवेगा तो तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे बाबा हम पर रहम करो, क्यों? तुम्हारे ऊपर दुख आवेगा तो तुम नहीं कहेंगे कि बाबा हमारे ऊपर रहम करो, हैं? कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, दुख की बात, दुख रहम करने की बात ही नहीं, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमारे ऊपर रहम स्वतः ही होता है। बाप तो विचित्र है, अभी वो तुम्हारे सामने बैठा है, अभी माने कभी, अभी संगम में बाप तुम्हारे सामने बैठा है, सामने बैठा है तब तो नमस्ते करते हो। तुम सब विचित्र बाप के विचित्र बच्चे हो, तो बाप भी कहते हैं मैं भी विचित्र हूं, मैं तो कब भी चित्र धारण नहीं करता हूं, मैं गर्भ से जन्म लेता ही नहीं हूं, अगर मेरा कोई चित्र हो तो उस चित्र का नाम बताओ, है? बस इतना ही कहेंगे शिव बाबा। शिव बाबा ही कहते हो ना, मैंने तो ये लोन लिया है क्या? है? कौन सा लोन लिया है? है? लोन कौन सा लिया है? ये 68 की वाणी है ना, तो कहा मैंने तो ये शरीर लोन लिया है, ये लोन मेरे को भर के देना पड़ेगा कि नहीं? है? ये लोन मेरे को भर के देना पड़ता है। सो भी ये पुरानी ते पुरानी लॉन्ग बूट है, पुरानी जूती है, उसमें ही प्रवेश करता हूं। तो देखो जिस लॉन्ग बूट को, जिस शरीर को, पुरानी जूती को मैंने लिया है, उस शरीर की कहीं महिमा करते हैं? है? किसकी? ब्रह्मा के शरीर की कहीं महिमा करते हैं? ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। अरे उनके शरीर की महिमा नहीं करते हैं? चलो ठीक है, मान लिया कि ब्रह्मा के शरीर की महिमा भी नहीं करते हैं, पूजन भी नहीं करते हैं, मूर्ति भी नहीं बनाते हैं, पूजा भी नहीं करते हैं, तो ब्रह्मा के बाद जिस दूसरी मूर्ति में प्रवेश करते हैं उस दूसरी मूर्ति की महिमा करते हैं? हैं? वो तमो प्रधान शरीर नहीं है? समाधि में
प्रधान बन जाते हैं तो तमोगति हो जाता है। हाँ, भले पहले तमो प्रधान है, फिर पुरुषार्थ करते करते उसी शरीर से उसको सतो प्रधान भी बनना होता है। इसलिए सतो प्रधान शरीर की पूजा, संपन्न रूप की पूजा करते हैं, और ब्रह्मा का जो तन है वो तो संपन्न रूप बनता ही नहीं, एडाप्ट किया है। तो क्या महिमा करते हैं? नहीं, ये तो समझते हैं कि ये ऐसा था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जावेगा, बना तो नहीं है ना। अब फिर बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूं उन बातों पर जज करो। अगर मैं राइट हूं तो राइटियस बातों को ही जज करो, और उन बातों को ही सुनो, दूसरे कोई की बातें मत सुनो, अनराइटियस बातों को सुनो ही नहीं। अनराइटियस बातों को ईविल बातें कहा जाता है। तो बाप कहते हैं टॉक नो ईविल, सी नो ईविल, इन आंखों से जो भी देखते हो उन सभी को भूलते जाओ। क्यों? इन आंखों से जो भी देखते हो वो सभी को भूलते जाओ। अच्छा, इन आंखों से बाप को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हैं? देखते हैं तो कैसे भूले? बापू नहीं भूले? नहीं, हम जानते हैं बाप का भी जो अभी वर्तमान रूप है वो आगे चल के बदल जाएगा। अभी अपूर्ण है और आगे चल करके संपूर्ण रूप हो जाएगा। तो ये रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा। तो तुम जानते हो कि अभी तो हमें अपने घर जाना है, फिर वापस हम सुखधाम में आवेंगे। बाकी समझो कि ये तो सभी जैसे कि मरे पड़े हैं। ये सारी दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो, पुरानी दुनिया में सब पुराना ही पुराना है, तमो प्रधान ही तमो प्रधान है, और नई दुनिया में सब सतो प्रधान होगा। तो टेम्परेरी को क्या देखना, आज है और कल नहीं रहेगा। तो ये पुरानी दुनिया, ये शरीर है, ये होंगे ही नहीं, ना ही ये दुनिया रहेगी। तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। जो भी इतने धर्म वाले हैं, ये कोई भी वैरायटी धर्म वाले नहीं रहेंगे, सब चले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया पहले भी नहीं थी, अब फिर नहीं रहेगी। वर्ल्ड की हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तुम अपना राजभाग ले रहे हो, जानते हो कि कल्प कल्प बाप आते हैं राजभाग देने के लिए। तुम भी कहते हो हाँ बाबा, आपसे हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, हमने राजधानी का वर्षा लिया था, नरसी नारायण बने थे, विश्व का मालिक बनते हो। तो ये तो जानते हो कि सब एक जैसा मर्तबा तो नहीं पा सकते हैं कि सारे ही नारायण बन जाए, ये हो सकता है क्या? हाँ, ये कहेंगे यथा राजा तथा प्रजा, नंबर वार मर्तबा पावेंगे, और नंबर वार तो होते ही हैं। तो ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल फादर ही पढ़ाने वाला है, और ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई भी दे भी नहीं सकता। क्योंकि स्पिरिट किसको कहा जाता है? स्पिरिट कहा जाता है आत्मा को, और आत्माओं का आत्मिक फादर कौन होगा? आत्मा ही होगा। तो स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, और ये बच्चे भी पढ़ते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वो ही वहीं लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो वो भी पढ़ाने लग जाती है।
परंतु बच्ची तो दूसरे घर चली जाएगी। इसलिए यहां तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। क्या नई दुनिया में तो नौकरी करने वालों का सारा मदार है यहां की पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया जानती नहीं है। नई दुनिया में जो जितना ऊंचा मर्तबा पावेंगे वो यहाँ की पढ़ाई के आधार पर पावेंगे। लिखा हुआ भी है भगवान वाच, बच्चों में तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ। जैसे देवताओं के चित्र बनाते हैं, भक्ति मार्ग क्या करते हैं, देवताओं के चित्र बनाते हैं। तो बेसिक पढ़ाई में भी क्या करते थे, है? चित्र बनाते थे, म्यूजियम बनाते थे, तो म्यूजियम में देवताओं के मॉडल बना के रख देते थे। अब मैं कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ, मॉडल बनाता हूँ या चैतन्य बनाता हूँ। भक्ति मार्ग में देवताओं के चित्र बनाते हैं। तुम तो पढ़ करके ये ऊंच पद पाते हो, वो भक्ति मार्ग वाले तो मिट्टी के चित्र बनाते रहते हैं। यहां तो पढ़ाई है, वो भक्ति मार्ग वाले ईश्वर को भी नहीं जानते और ईश्वर की पढ़ाई को भी नहीं जानते। आत्मा पढ़ती है, तुम पढ़ाई के संस्कार ले जाते हो। फिर नई दुनिया में तुम नया शरीर लेंगे। बाकी दुनिया कोई खत्म नहीं हो जाती है, हाँ पुरानी से नहीं बनती है। तो समय बदलता रहता है। गोल्डन एज से सिल्वर एज, सिल्वर से कॉपर एज और कॉपर से आयरन एज होती है। 16 कला संपूर्ण से कलाहीन होती है। बाकी दुनिया तो वो ही चलती रहती है। हाँ नई नई सो फिर पुरानी बन जाती है। नई दुनिया में दैवी राजधानी थी और पुरानी दुनिया में असुरों की राजधानी होती है। अभी जो भी राजधानियां हैं देश देशांतर में, वो देवताओं की राजधानी कहेंगे क्या, है असुरों की राजधानियां हैं। तो बाप तो तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं और बनाते भी हैं इस पढ़ाई से, सो भी फिर स्वर्ग का राजा बनाएंगे। और कोई की ताकत नहीं है जो ये बातें पढ़ाई सके। ये राजयोग सिर्फ बाप ही आकर के पढ़ाते हैं और कितनी अच्छी रीति पढ़ाते हैं, फिर भी देखो माया बच्चों को अपना बना लेती है। जितना जितना जो पढ़ा है भले माया अपना बना लेती है, कोई कोई बच्चों के शरीर भी छूट जाते हैं, फिर भी वो पढ़े हुए के अनुसार जरूर स्वर्ग में आ जाएंगे। पढ़ाई के अनुसार ही पद पावेंगे, कोई की कमाई व्यर्थ नहीं जाएगी। वहां दुनिया में जो नॉलेज पढ़ते हैं फेल हो जाते हैं और मर जाए तो व्यर्थ चला जाता है। तो ये तुम्हारी अविनाशी कमाई है, इसका विनाश नहीं हो सकता। कहेंगे आगे चल करके फिर आवेंगे, जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं आगे चल करके जन्म लेंगे और आवेंगे, जावेंगे कहां,
क्योंकि ये एक ही हट्टी है, फिर भी आते रहेंगे हमेशा। शमशान घाट में जब मनुष्य जाते हैं तो बहुत उनको वैराग आता है, सोचते हैं अरे क्या हम भी ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे, तो वैराग आने लगता है। सोचते हैं फिर हम पाप कर्म क्यों करें, पाप करते करते हम ऐसे ही मर जाएंगे क्या, ऐसे ऐसे वैराग के ख्याल आते रहते हैं। उसको कहा जाता है कौन सा वैराग, शमशानी वैराग। थोड़े समय के लिए जब तक शमशान में रहेंगे वैसा वातावरण रहेगा, वैसी बुद्धि चलती रहेगी, और शमशान से बाहर वापस घर आए, धंधा दोरी में पड़े और सब वो सारी बातें भूल जाते हैं। हाँ इतना समझते भी हैं कि हम जाकर के दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो कोई में है ही नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कि इस समय तो खास मरने के लिए तुम तैयार हो रहे हो, क्या साधारण मौत के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, हैं? खास मौत कैसी, जीते जी देहभान से मरने के लिए तुम तैयार हो रहे हो, तो तुम समझो इस दुनिया में तो हम टेम्परेरी हैं। ये पुराना शरीर छोड़ करके जा करके हम नई दुनिया में पहुंचेंगे। बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे पाप कटेंगे। बातें तो बड़ी सहज हैं, और सहज थे सहज भी हैं, फिर डिफिकल्ट थे डिफिकल्ट भी हैं। कैसे, जैसे जैसे बाप चलाते जाएं वैसे वैसे चलते जाओ, श्रीमत के अनुकूल चलते रहेंगे तो बड़ी सहज पढ़ाई है, और श्रीमत के बरखिलाफ चले तो मुश्किल भी है, कठिन से कठिन भी है। तो बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग जाते हैं तो समझते हैं कि माया की बहुत युद्ध है। बाप कहते हैं ये तो बहुत सहज है, परंतु माया तो दीवा बुझाई देती है ना, गुलवकावली की कहानी है। माया बिल्ली बार बार आकर के दीवा बुझाई देती थी, यहाँ पर तो सभी के माया के गुलाम, सभी माया के गुलाम हैं। एक भी नहीं है जिसको माया छोड़ देती हो, सारी प्रकृति तुम्हारी दुश्मन बन जाती है, फिर नई दुनिया में सारी प्रकृति तुम्हारी अदब करेगी, वहां कोई भी तूफान नहीं आवेगा, कोई भी प्रकार का फैमन नहीं पड़ेगा। या तो तुम माया को भी गुलाम बनाए लेते हो तो प्रकृति को भी गुलाम बनाए लेते हो, कैसे, राजयोग की ताकत से। इतना गुलाम बनाते हो कि वहां पर कभी भी माया का और प्रकृति का बार नहीं होगा। अभी तो देखो माया और प्रकृति कितना तंग करती रहती है, कितने तंग होते हो, इसलिए गायन भी है मैं गुलाम तेरा। वो फिर माया कहती है कि तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं मैं अभी तुमको माया के गुलामपने से छुड़ाने के लिए आया हूं, तुम मालिक बन जाएंगे तो गुलामपने से छूट जाएंगे। जरा भी वहां माया वहां ची चा नहीं करती है, तो ये ड्रामा में नूद है। तुम तो कहते हो कि बाबा माया बहुत तंग करती है, अरे क्यों नहीं करेगी, इसको युद्ध का मैदान कहा जाता है। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया तुमको फटकाती है, पछाड़ती रहती है,
कितना तंग करती है, 24:8-68 की वाणी का तीसरा पेज, कितनों बच्चों को हराती रहती है, बच्चों को एकदम खा जाती है, हप ही कर लेती है। बल स्वर्ग का मालिक बनते हो, परंतु माया तो खाई जाती है ना, हप कर लेती है। तो तुम जैसे कि माया के पेट में हो, जो माया के पेट में थे तो बाकी जाकर के पूंछ बची, सारा ही माया ने निकल लिया, सारा ही उसके अंदर चला गया, निकल ही नहीं सकते। उसको कहते हैं दुब्बण। जितना जितना निकलने की कोशिश करते उतना उतना दुब्बण माने दलदल, धसते चले जाते, जरा भी याद नहीं कर पाते हैं। ये सब दृष्टांत तुम्हारे हैं, जैसे कछुआ का मिसाल है, भ्रमरी का मिसाल है। भ्रमरी कीड़ों को ले आती है, भू भू करके आप सामान बना देती है। तो तुम भी कीड़ों को भू भू करके, क्या क्या सुनाई करके आप सामान बना लेती हो, एकदम स्वर्ग की परिजात बनाई देती हो। वो सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वो कोई बदलते थोड़े ही हैं। बदली तो तुम होते हो संगम युग पर। अब ये संगम युग है ना, तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, बदलते हो ना। जो विकारी मनुष्य हैं, जिनकी बुद्धि विकारों में फंसी हुई है, उनको तुम ज्ञान सुना करके ले आते हो, भू भू करके ले आते हो। उनमें भी कोई तो भ्रमरी जैसे बन जाते हैं और कोई सड़ भी जाते हैं। भ्रमरी भी ऐसे ही करती है, कीड़ों को लाती है, भू भू करके कोई को आप समान बनाती है, कोई कोई सड़ जाते हैं। बदलते थोड़े ही हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं। तो बाबा ने ये बहुत देखा है। यहां भी तुम्हारे पास विष्टा के कीड़े बहुत आते हैं। कोई अच्छी रीते पढ़ते हैं तो ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई को तो फिर आधे में ही माया पकड़ लेती है, तो कच्चे के कच्चे ही रह जाते हैं। तो देखो, ये भ्रमरी का मिसाल तुम्हारा अभी का है। ये वंडरफुल बातें हैं। भ्रमरी ले आकर के आप सामान बनावे, ये वंडरफुल बात है। और एक ये भ्रमरी ही है जो आप सामान बनाई लेती है। दूसरा फिर सर्प का मिसाल देते हैं। तो यहां संगम युग के दृष्टांत वो फिर सन्यासियों ने उठाए लिए हैं। वो कोई सर्प की तरह कैंचुल त्यागना, देह अभिमान त्यागना सिखाते थोड़े ही हैं। सतयुग में शरीर ऐसे ही छोड़ते हैं कि बस एक कल छोड़ी दूसरी लेते हैं। उनको तो झट पता पड़ जाता है कि अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं। यहां भी कोई सतो प्रधान मनुष्य होते हैं तो उनको पहले से क्या पता चल जाता है कि हम इतने दिन में शरीर छोड़ देंगे। तो ऐसे ही सतयुग में होता है, एक शरीर से आत्मा निकल करके दूसरे गर्भ महल में प्रवेश करती है। बाकी जेल आदि की वहां कोई बात नहीं होती है। गर्भ में वहां आत्मा चिल्लाती नहीं है कि हमको निकालो, त्राहि त्राहि नहीं करती है। तो ये भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा, उनको बाहर निकालने के लिए दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर तो आना ही पड़ता है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, ज्ञान से ही हम ऐसा पुरुषोत्तम बनते हैं। भक्ति तो हमने जन्म जन्म की, बाप समझाते हैं
तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। क्या? किसने? तुमने। उन्होंने नहीं, बेसिक वालों ने। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। क्यों? कैसे पता चले कि हमने सबसे जास्ती भक्ति की है? हाँ, जिसने भक्ति ज्यादा की होगी वो ज्ञान भी ज्यादा उठाएगा, जिसने भक्ति कम की होगी वो ज्ञान भी कम उठाएगा। वो सुनेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? मुसलमान क्या करते हैं? कान में उंगली दे लेते हैं, तो वो सुनते ही नहीं है। उन्हें ज्ञान से कोई रस नहीं आता। तो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ही जिन्होंने भक्ति की है उतना ही पद पावेंगे। बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वो तो भक्ति है। उन शास्त्रों के ज्ञान से कोई की सदगति नहीं होती है। शास्त्रों के ज्ञान से सदगति होती है, गुरु से सदगति होती है, या सदगुरु से सदगति होती है? गुरु भी बहुत हैं, शास्त्र भी बहुत हैं, उन शास्त्रों के बताए हुए रास्ते भी बहुत हैं, और सदगुरु, सदगुरु एक ही है, उसका सदगति का रास्ता भी एक ही है। तो सदगति का माना ही सद माने सच्ची, और गति माने चाल। सच्ची चाल क्या है? जो बुद्धि रूपी आत्मा है उसकी सच्ची चाल वो है जो सदैव आत्मा ऊपर ही ऊपर जाए, ऊंची स्टेज में जाए। दुर्गति क्या है? धरणी में जाए, मिट्टी में। अगर बुद्धि जाए, देह क्या है? मिट्टी है। तो देह रूपी मिट्टी धरणी, देह रूपी धरणी की तरफ अगर बुद्धि जाती रहती है तो समझो हमारी क्या हो रही है? दुर्गति हो रही है। और देह रूपी मिट्टी से ऊपर उठ करके आत्मा मनन चिंतन मंथन में लगे, एक बाप की याद में ही लगी रहे, ईश्वरीय सेवा में लगी रहे, नई दुनिया की प्लानिंग में लगी रहे, तो क्या समझे? हमारी आत्मा की सदगति हो रही है। तो सदगति माना घर जाना। घर तो है ही बाप का शांति धाम, ऊंचते ऊंच धाम है। बाकी यहां इस दुनिया में तो कोई घर में जाना जानता ही नहीं। बाप खुद कहते हैं कि मेरे साथ कोई भी मिलता नहीं है। ये क्या बात हुई? बाप के साथ कोई भी मिलता नहीं है, है? तो सदगति कैसे होगी? है? मिलता है तो अगर बाप के साथ मिलेगा तो 5000 साल ऊपर नहीं पड़ा रहेगा, है? अगर बाप के साथ मिल जाएगा सदा काल के लिए मिलेगा तो कहाँ पड़ा रहेगा? परमधाम में ही पड़ा रहेगा। ऐसा कोई मिलना चाहता है? ऐसा तो कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम इस दुनिया में रहें लेकिन सुख भोगें, दुख न भोगें। और बाप, बाप सुख भोगता है? बाप तो न सुख भोगता है न इस दुनिया के दुख भोगता है। तो देखो, मेरे साथ तो कोई मिलता नहीं है, पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला बाप तो चाहिए। बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बार बार ये भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं। क्यों भूल जाते हो? हाँ, बार बार बाप समझाते हैं अपन को, आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। फिर क्यों भूल जाते हो? 70-71 साल हो गए। हाँ, माया बुलाई देती है। हाँ, माया क्या है? हाँ, माया अपनी बुद्धि की कमजोरी ही तो है, है? 63 जन्मों में हमने देह के जो विकारी सुख भोगे हैं, वो विकारी सुख भोगते भोगते
देह में मिट्टी में हमारा अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट होने के कारण हम अपन को देह समझते आए तेसरे जन्म से, तो बार बार हम अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं। अब एकदम पक्का कर दो क्या कि हम ज्योतिबिंदु स्टार आत्मा हैं और हम आत्माओं को अब बाप पढ़ाने आया है। अभी तक तो 63 जन्म गुरुओं ने पढ़ाया, लेकिन अब बाप हमको पढ़ाने आया हुआ है, तो इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो कि संस्कार सब आत्मा में रहते हैं, अच्छे बुरे संस्कार हो, शरीर में तो नहीं रहते, देह में नहीं रहते, काहे में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। तो आत्मा जब शरीर छोड़ करके जाती है तो आत्मा अपने साथ संस्कार, अच्छे बुरे संस्कारों को ले जाती है। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा रह जाती है। तो समझो कि अब ये सदगुरु का द्वार तुमको मिला है। सदगुरु के द्वार में तुमको सत्य संस्कार धारण करने हैं, कोई भी झूठी बातों को धारण नहीं करना है। ये आत्मा का द्वार है, सदगुरु का द्वार। फिर सदगुरु ने आकर के इसमें प्रवेश किया है, इसको रथ भी कहते हैं, इसको द्वार भी कहते हैं, इसको जो शरीर रूपी रथ है, जिस शरीर रूपी रथ के द्वारा हमको नई दुनिया में जाने का रास्ता मिलता है, शांति धाम सुखधाम में जाने का रास्ता मिलता है, वो रथ द्वार भी है। उसको कहते हैं हरि का द्वार। क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में कहते हैं हरिद्वार। तुम बच्चे जानते हो कि हम स्वर्ग के गेट खोल रहे हैं, लेकिन श्रीमत पर खोल रहे हैं। अपनी मत चलाई तो ये गिरे नीचे नरक में, मनुष्य मत पर चले तो ये नीचे गिरे। श्रीमत पर हम स्वर्ग के गेट खोलते हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना ही सत्युगुण ऊंच पद पावेंगे। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना चाहिए ना। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना कि घर की गंगा को रिगार्ड नहीं होता है। घर बैठे भगवान मिल गया तो देखो 71 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन कोई बाप की बातों को वजूद ही नहीं देता। बाबा का देखा हुआ है कि जिन गांव का किनारा गंगा जी के किनारे होता है वो सारा कचरा गंगा में डालते रहते हैं। अभी तो बड़े बड़े शहरों का भी कचरा गंगा में जाकर गिरता है। तो देखो गंगा का रिगार्ड ही नहीं, तो फिर ऐसी गंगा को फिर पतित पावनी कहेंगे क्या? मनुष्यों की बुद्धि तो देखो कैसी हो गई है। देवियों को भी सजा करके पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं क्या? कौन डुबो देते हैं? है? भक्ति मार्ग वाले। हम तो नहीं करते ऐसा, नहीं करते हैं? करते हैं नहीं करते? कभी किया है? हैं? वो तो माता जी कह रही हमने किया था पहले, माने ज्ञान में आने से पहले, बेसिक में आने से पहले किया। बेसिक में आने की बात तो नहीं किया है? है? बेसिक में जब आए तब तो नहीं किया ऐसा, नहीं किया। क्यों? जिनको देवियां समझा ये भगवान की बच्चियां हैं, हैं? उनको अच्छे अच्छे घर घर महल माणियां बना के दिए या नहीं दिए? हैं? दिया ना, पूजा की ना, है? माताएं तो और ही ज्यादा बर्तन मालती कपड़े साफ करती हैं,
कितनी पूजा करती है, है? फिर बाद में क्या हुआ, एडवांस नॉलेज मिलने के बाद फिर उनको डुबो देते हैं, अपमान कर देते हैं। तो बताओ, जिन देवियों को सजा करके उनकी इतनी पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं तो उनको क्या कहेंगे, है? उनको भक्ति कहेंगे, नॉनसेंस पाना कहेंगे, क्या कहेंगे? सो भी बड़ी बेइज्जती से डुबो देते हैं। नहीं डूबती है तो पांव रख करके डुबो देते हैं। पांव रख कर डुबोना माने बुद्धि से नए नए ज्ञान के पॉइंट उनको सुना सुना करके डुबो देते हैं। बंगाल की तरफ नहीं डूबती है तो उनके ऊपर पांव रख करके भी डुबोते हैं। वहां यही रिवाज है। कहां? बंगाल की तरफ। किसी का प्राण निकलने लगता है तो फट से वहां गंगा पर ले जाते हैं, हाँ, हरी बोल कर देते हैं, मुख में पानी गिराते रहते हैं, ऐसे उनके प्राण निकाल देते हैं, जीते जी प्राण निकाल देते हैं। वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का सारा ज्ञान बैठ गया है। नंबरवार पुरुषार्थ सार, मीठे मीठे महारथी घोड़े सवार प्यादे, सभी बच्चों को पितृ रूहानी बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।